कलेक्ट्रेट परिसर में 4 फरवरी से होने वाले नामांकन स्थल का एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह व एसपी ट्रैफिक डॉक्टर एमपी सिंह ने निरीक्षण किया, जिसके संबंध में एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने बताया कि 4 फरवरी से जनपद में नामांकन शुरू हो जाएगा और यहां पर कुल 9 विधानसभा है तथा 9 नामांकन कक्षों में नामांकन किया जाएगा तथा नामांकन के लिए कहां कहां पर बैरिकेटिंग की जाएगी उसका निरीक्षण किया गया है। उन्होंने कहा कि कलेक्ट्रेट में गेट नंबर 1 से आगे बैरिकेटिंग की जाएगी और गेट नंबर 2 के आगे जो सड़क है उसको बंद कर दिया जाएगा। इसलिए सभी नागरिकों से अपील है कि 4 फरवरी से कलेक्ट्रेट गेट नंबर 2 के आगे की सड़क से गेट नंबर 1 की तरफ सड़क बंद रहेगी और उस रास्ते पर केवल प्रत्याशी पैदल आ जा सकेंगे। इस रास्ते पर किसी भी प्रत्याशी व नागरिकों का कोई भी वाहन नहीं चलेगा तथा केवल एक लाइन पर ट्रैफिक चलेगा। उन्होंने कहा कि कलेक्ट्रेट गेट नंबर 1 पर केवल प्रत्याशियों अधिकारियों का ही आना जाना रहेगा तथा अधिवक्ताओं और उनके वादियों को आबकारी विभाग के गेट से एंट्री दी जाएगी तथा नामांकन कक्ष और कलेक्ट्रेट में सीसीटीवी लगाई जा रही है, जिससे सभी प्रत्याशियों की निगरानी की जाएगी। इस अवसर पर एसपी ट्रैफिक डॉक्टर एमपी सिंह, अपर नगर आयुक्त सीओ प्रशिक्षु प्रशाली गंगवार, कलेक्ट्रेट चौकी प्रभारी महेश कुमार चौबे सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने कहा, ये इसको तो मैं यही कलेक्टर से मौजूद हूँ, कलेक्टर नाम आता है तो ये लोग यहाँ तक आ गए वाले नामांकन वाले एरिया का बैरिकेटिंग नहीं है, यहाँ से लेके वहाँ तक इस साइड से इसका पानी जाना है, नहीं नहीं तो हम काट ही देते हैं। यहाँ एक चीज़ और हम करेंगे, जी जी, एक तक हमारा ये हो गया, दूसरा काम केवल इसी सिमिलर पिलर बैरिकेटिंग है, कोई लगा भाई सब लोग स्क्वाड अब हम चलते चले आ रहे हैं, इधर हमारा पैक होता जा रहा है, नीचे बन सकता पूरा चाहे तो छूमा, मतलब ये जो पोल पोल है इसी पे आप बांध दीजिए, ऐसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा, संयुक्त कार्यालय का वो बंद करा देंगे, इससे भी कोई ना आ जाए, यहाँ से पैक करके इलेक्शन ऑफिस के तरफ बंद नहीं करने जाएगा, वो हमारा गेट नंबर 2 बंद रहेगा और ई डिस्ट्रिक्ट हमारा चलता रहेगा, तो ई डिस्ट्रिक्ट चूँकि कोविड के लिए चल रहा है, बिलोंग करेंगे ना तो जहाँ से घुसते हुए बिलोंग करेंगे किसके लिए सर, तो चढ़ा नहीं जाए जैसे वहाँ से हम मोजो लगा देंगे पूरा, वहाँ से पैक हो जाएगा और फिर ये आधा पैर करा देंगे यहाँ तक यहाँ मोजो से बंद करेंगे, वो इसलिए कि जैसे अधिकारी लोग जो आने जाने वाले हैं उनके लिए खुशहाली आ जाए। ये लेन हमारी पूरी खाली है, एक प्रत्याशी दो लोग तीन आदमी यहाँ आए, यहाँ आपको मोजो के साथ अंदर आया और कहा
हर कक्ष में दो दो ऐसे लगेंगे ना, एक इधर और एक इधर, और यहाँ पे कर रहे हैं तीन करके हर कक्ष में दो जी पैसेज में एक हिस्सा लेट क्यों। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो बस आप सोच लीजिए और स्टार्ट कर दीजिए, सब लगवा दें बाहर वाला तो बैरिकेड कर दो। नमस्कार, मैं राजेश कुमार सिंह डिप्टी डीओ एडीएम फाइनेंस गोरखपुर हूं। आप सब जानते हैं कि आगामी 4 फरवरी से जनपद गोरखपुर में नामांकन की तिथि घोषित हुई है, उसी दिन नोटिफिकेशन जारी होगा और नामांकन प्रारंभ किया जाएगा। यहां पर कुल 9 विधानसभाएं हैं तो 9 न्यायालय कक्षों में नामांकन किया जाएगा। नामांकन के लिए बैरिकेडिंग कहाँ और कैसे की जाएगी वो हम लोगों ने देखा। गेट नंबर 1 से आगे बैरिकेडिंग की जाएगी और कलेक्ट्रेट में गेट नंबर 1 और गेट नंबर 2 के सामने जो सड़क है वो पूरी तरह से बंद रहेगी। आम नागरिकों को और निवासियों को मुझे यही सूचित करना है कि दिनांक 3 तारीख से ही हमारी ये सड़क जो कलेक्ट्रेट के ठीक सामने है, गेट नंबर 1 गेट नंबर 2 अर्थात शास्त्री चौक के आसपास की जो एक तरफ की सड़क है वो बंद रहेगी। ट्रैफिक केवल एक सड़क पर ही चलेगा और कलेक्ट्रेट के अंदर मुख्य द्वार से केवल उन्हीं लोगों का एंट्री रहेगा जिनको नामांकन के लिए आना है या जो कलेक्ट्रेट के कर्मचारी और अधिकारी हैं। वकील साहबान के लिए और उनके मुवक्किलों के लिए कलेक्ट्रेट के पीछे जिधर एक्साइज डिपार्टमेंट का ऑफिस है उससे आगे जो गेट बना हुआ है या तहसील के गेट की तरफ से उनकी एंट्री रहेगी। सर, जो नागरिक जैसे फरियाद लगाते हैं वो किस तरह? वो बंद रहेगी, उनको ऑनलाइन जो हमारा IGRS है उसी पटल का उपयोग करना होगा। CCTV भी सर लगाया जा रहा है प्रत्येक कक्ष में और प्रत्येक पॉइंट पर CCTV लगा रहेगा। आप सभी लोग जो भी लोग उस समय यहाँ आएंगे सभी CCTV की नज़र में रहेंगे। धारा 144 लागू है और उसके तहत आपकी देखरेख की जाएगी।